मखाने का सेवन तो आप करते ही होंगे, कभी दूध में डालकर, कभी इसकी खीर बनाकर, तो कभी स्नैक्स की तरह। पर क्या आप मखाने के पोषक तत्वों से वाकिफ हैं? आप सोच भी नहीं सकते कि ये सफेद दाने आपकी सेहत को दुरुस्त रखने में कितने कारगर हैं। अगर आप मखाने का सेवन नहीं करते हैं तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद शायद करने लगेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मखाने से होने वाले 5 जबरदस्त फायदों की, साथ ही वीडियो में हम मखाने से जुड़े मिथ्य और तथ्यों की भी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि मखाने को लेकर एक धारणा भी है कि इसे खाने से पुरुषों में स्पर्म काउंट बढ़ता है। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मखाने में आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो रोजाना मखाने के सेवन से मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट संबंधी बीमारियों में फायदा मिलता है। मखाने के पोषक तत्वों को देखते हुए इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। मखाने में गुड फैट्स पाए जाते हैं और इनमें सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा कम होती है। रोजाना खाली पेट मखाने का सेवन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसे खाने की सलाह दी जाती है। डायबिटीज में मखाने का सेवन हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखता है। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, वजन कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में मखाने को जरूर शामिल करें। मखाने में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, साथ ही इसमें गुड फैट होने की वजह से ये वेट लॉस में भी मददगार है। सुबह खाली पेट अगर आप एक कटोरा मखाना खाते हैं तो आपको दिन भर भूख कम लगेगी और आप सारा दिन भरा भरा महसूस करेंगे। इसके अलावा शाम की भूख को मिटाने के लिए भी मखाना एक अच्छा ऑप्शन है। आप मखाने को ड्राई या रोस्ट करके इसमें हल्का नमक डालकर भी खा सकते हैं। आप इसे एज ए पॉपकॉर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर की अत्यधिक मात्रा होने के चलते मखाना खाने से कब्ज की दिक्कत भी कम होती है। मखाना में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है जिससे पेट अच्छी तरह साफ हो जाता है, इसलिए कब्ज से राहत पाने में मखाने मददगार साबित हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में मखाने मैग्नीशियम और पोटाशियम का बेहतर सोर्स है और इसमें सोडियम की मात्रा कम पाई जाती है। पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है जबकि सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इस चलते अगर आप मखाने को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत से राहत मिल सकती है। चलिए अब न्यूट्रिशनिस्ट से जानते हैं कि मखाने कैसे पुरुषों में स्पर्म काउंट बढ़ाने में मददगार है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये स्पर्म काउंट पे भी वर्क करता है, उसको इंक्रीज करता है। तो अभी कोई ऐसी प्रूवन फैक्ट्स नहीं है कि ये स्पर्म काउंट पे वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें कैल्शियम है, लो कैलोरी है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, डायबिटिक के लिए अच्छा है, लिवर को क्लेंस करता है, ये हमारे हार्मोनल इश्यूज पे भी वर्क करता है। इट इज बीन सीन कि फीमेल इनफर्टिलिटी पे मखाने बहुत अच्छा वर्क करते हैं। सो एज फार एज मेल फर्टिलिटी इज कंसर्न, स्पर्म काउंट इज कंसर्न, अभी तक ऐसी कोई प्रूवन थ्योरी नहीं आई है। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर स्नैकिंग ऑन समथिंग विच इज अनहेल्दी, आप मखानों को पिक करिए। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे किसी भी सलाह पर अमल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। शुक्रिया।